नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहां पर भी होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं किडनी के बारे में। हमारे शरीर के अंदर दो किडनियां होती हैं। इस किडनी का जो सबसे अहम काम है, इस किडनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का संचार है, जो उसको मेंटेन रखना, उसको क्लीन करना, जो ब्लड है उसको क्लीन करना, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो हमारे ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज मिल जाती हैं, हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, हमने बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती रहती हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड से मिक्स होती हैं। जब ये ब्लड हमारा किडनी के थ्रू पास होता है तो ये किडनी हमारे उस ब्लड से वो सारी इम्प्यूरिटीज को खींच करके और हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। कई बार हमारी जो किडनी है वो डैमेज होती है या वो एफिशिएंटली काम नहीं करती है, तो मैं इसके लिए 5 सरल योगासन जो हर कोई कर सकता है वो आपको बताता हूँ। तो अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो अगर आप ये 5 योगासन रोज सवेरे करते हैं तो आपका जो किडनी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सही होगा और आपकी जो किडनी है वो धीरे धीरे आपके बेटर कंडीशन में आती चली जाएगी। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 5 सरल आसन। हमारा सबसे पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम अपने मैट पर पूरी तरीके से लेट जाएं, अपने हाथों को अपने शोल्डर और अपने चेस्ट के साथ में अपने बॉडी के नजदीक रखना है, अपने दोनों पैरों को पीछे साथ में, अपने चिन को आगे लगाएं और इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर देखें, इसमें हमारा पूरा पेट स्ट्रेच, पीठ पर अंदर की ओर दबाव और ऊपर और फिर नीचे। हमारा दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को साथ में सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, अपने दोनों हाथों को साइड से पूरा ऊपर की ओर उठाएं, अपने आप को सामने की ओर पूरा स्ट्रेच ऊपर की ओर और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आएंगे, अपने पेट को थाइस पे लगाएंगे, आगे की ओर अपने आप को खींचें और अपने सर को आखिर में घुटने से लगाएं और फिर वापस। हमारा तीसरा आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए अपने लेफ्ट लेग को उठाएं, राइट लेग के क्रॉस, अपने राइट लेग को हम फोल्ड कर लेंगे और अपने हिप्स के नीचे अपने स्पैर को सीधा रखना है, अपनी पूरी बॉडी को निकालते हुए लेफ्ट साइड अपने बाइसेप्स, अपने ट्राइसेप से पुश करेंगे अपने घुटने को अंदर की ओर, अपने हाथों से अपने पैर को नीचे, अपने फीट को पकड़ लें, हमारा दूसरा हाथ हमारे हिप्स के पीछे और पीछे की ओर देखेंगे। इसी प्रकार हम अपने दूसरे पैर को राइट लेग को उठा करके लेफ्ट लेग के क्रॉस, लेफ्ट लेग को हम मोड़ करके अपने हिप्स के बगल में, अपनी पूरी बॉडी को हम अपने राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने बाइसेप्स, अपने ट्राइसेप से अपने पैर को पुश करते हुए अपने फीट को पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ पीछे और पीछे की ओर देखें। इस प्रकार हम अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 20-20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने होल्ड करने की अवधि को बढ़ाएंगे। हमारा चौथा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हम अपने मैट पर पूरी तरीके से फ्लैट लेट जाएंगे, अपने पाम्स को फेसिंग डाउनवर्ड्स नीचे की ओर रखते हुए अपने दोनों पैरों को साथ में ऊपर की ओर उठाएं और अपने कमर को भी ऊपर की ओर उठाते हुए अपने हाथों को अपने पीठ पे रखें, पूरा सीधा होंगे, पूरा वेट हमारे शोल्डर हमारी गर्दन पर, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 10 से 15 सेकेंड तक सर्वांगासन। यहीं से हम अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे, अपने सर के पीछे लगा दें, हाथों को पूरा स्ट्रेच कर लेंगे, हलासन। हमारा पूरा पेट, हमारा पूरा डाइजेस्टिव ऑर्गन दबा हुआ, यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड
और फिर आराम से वापस। तो अगर आपको किडनी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये पांच आसन जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ये पांच आसन करते हैं तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। और एक बार आपकी जब किडनी स्वस्थ रहेगी तो आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स भी स्वस्थ काम करेंगे। तो हम अगर आज से अभी से अपनी किडनी का ख्याल रखेंगे तो हमारे जीवन में किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक दबाएं। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको किडनी से परेशानी है तो आप ये वीडियो उसके साथ में शेयर करें। ये पांच आसन आप उसे बताएं ताकि उसके जीवन में भी कुछ सुधार हो सके, उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।